हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन महिंद्रा की न्यूली लॉन्च्ड सबफोमीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा बोलेरो नियो वर्सेस फोर्ड की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड एको स्पोर्ट से। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये शुरुआत करते हैं महिंद्रा की न्यूली लॉन्च सबफोमीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा बोलेरो नियो, जो कि टीयूवी 300 का फेसलिफ्ट अवतार है। और इसकी प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 8.48 लाख to 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जहां तक इसकी डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और रेगेड फील होता है। और वहीं इसमें काफ़ी कॉस्मेटिक बदलाव किया गया है इसके फ्रंट प्रोफाइल में। हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन में LED डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और उसके जस्ट नीचे आपको हेलोजन बल्ब और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। जस्ट उसके नीचे आपको फॉग लैम्प यूनिट रीडिजाइन स्ट्रक्चर में दिया गया है, जिसकी हाउसिंग कुछ इस तरह देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट ग्रिल को भी टोटली रीडिज़ाइन किया गया है। और इसमें 6 वर्टिकल स्लैट दिए गए हैं क्रोम फिनिश में। और उसके अंदर आपको हनीकॉम ग्रिल दिया गया है। नीचे एयरडैम में भी आपको हनीकॉम ग्रिल मिल जाते हैं। और ब्लैक कलर के स्किड प्लेट और रीडिज़ाइन में इसके फ्रंट बम्पर प्रोवाइड किया गया है। नंबर प्लेट की जगह आपको ग्रे फिनिश दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं फोर्ड की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड एको स्पोर्ट की। तो फोर्ड एको स्पोर्ट की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस रेंज जाती है 8.19 लाख to 11.69 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जहां तक वेस वेरियंट से कंपेयर करें तो फोर्ड एको स्पोर्ट 29,000 सस्ती पड़ती है बोलेरो नियो के वेस वेरियंट से। वहीं हम डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फोर्ड एको स्पोर्ट का फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और रगेड फील होता है। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो LED डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हेलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको हेलोजन बल्ब के साथ फॉग लैम्प और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं। बीच में फोर्ड का लोगो और नीचे ब्लैक कलर का स्किड प्लेट आपको दिया गया है। काफ़ी शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बोलेरो नियो के डायमेंशंस में लेंथ दिया गया है 3995 mm, जो कि एको स्पोर्ट के लेंथ से 3 mm कम है दोस्तों। विड्थ 1795 mm दिया गया है, जो कि एको स्पोर्ट के लेंथ से 30 mm ज़्यादा है। और हाइट की बात करें तो 1817 mm दिया गया है, जो कि एको स्पोर्ट के हाइट से 170 mm ज़्यादा है। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो बोलेरो नियो में आपको व्हील बेस मिलते हैं 2680 mm का, जो कि एको स्पोर्ट के व्हील बेस से 161 mm ज़्यादा है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बोलेरो नियो में प्रोवाइड किया गया है 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एको स्पोर्ट के ग्राउंड क्लियरेंस से 16 mm कम है, क्योंकि एको स्पोर्ट में आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो बोलेरो नियो में 384 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो कि 32 लीटर ज़्यादा है फोर्ड एको स्पोर्ट के बूट स्पेस से, क्योंकि फोर्ड एको स्पोर्ट में प्रोवाइड किया गया है 352 लीटर का बूट स्पेस। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो बोलेरो नियो में प्रोवाइड किया गया है 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं आपको एको स्पोर्ट में मिलते हैं 52 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यानी बोलेरो नियो में 2 लीटर कम मिलते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी फोर्ड एको स्पोर्ट के मुकाबले। यानी कि हम कह सकते हैं डायमेंशंस के आधार पे बोलेरो नियो फोर्ड एको स्पोर्ट से कम लंबी, ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा ऊँची है। चलिए अब बात करते हैं बोलेरो नियो के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपको प्रोवाइड किया गया है 15 इंच के एलॉय व्हील, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह दिया गया है। और व्हील साइज़ है 215/75R15, चेकआउट कीजिएगा। और इसके फेंडर पे मिलते हैं आपको टर्न इंडिकेटर। और यहाँ पे आप एक ख़ास बात देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप दिया गया है ब्लैक कलर का, जो कि बोलेरो से रिजेंबल करता है। क्रैब हैंडल भी ब्लैक कलर में दिया गया है। ओआरबी हम आपको बॉडी कलर ड्यूल टोन में दिया गया है। रूफ पे फ्रंट साइड एंटीना और यहाँ पे रूफ रेल प्रोवाइड नहीं किया गया है।
और एक बार साइड प्रोफाइल और चेकआउट कर लीजिएगा। इसका बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पे फुट रेस्ट दिया गया है नीचे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक आपको प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही जल्दी महिंद्रा बोलेरो नियो का N10 ऑप्शनल वेरिएंट लॉन्च होने वाली है बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ। चलिए अब बात करते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील और व्हील साइज है 205/60R16 और इसके साथ ही आपको यहां पे दिया गया है बॉडी कलर ORBM LED टोन इंडिकेटर के साथ और विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल और इसके साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर ड्यूल टोन और रूफ पे आपको यहां पे रूफ रेल दिया गया है ग्रे फिनिश में और इसके बी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर के ही देखने को मिलेगा। और वहीं हम साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्टर्ट एंड रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम दिया गया है और इसका टर्निंग रेडियस है 5.3 meters। 2013 से इंडियन मार्केट में धूम मचा रही है फोर्ड एकोस्पोर्ट। अब बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो नियो के रियर प्रोफाइल की, कुछ इस तरह रहने वाली है, चेकआउट कीजिएगा। और इसकी रियर प्रोफाइल में एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूं आपको। सबसे ऊपर आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसके इंटीरियर में दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। और राइट साइड लिव यंग लिव फ्री की स्लोगन और यहां पे इस कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है हैलोजन बल्ब के साथ और टेल गेट के लेफ्ट साइड बोलेरो नियो की वेजिंग। ग्रैब हैंडल आपको ब्लैक कलर में और टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है और जिसमें एक्सपेक्टर व्हील कवर दिया गया है। महिंद्रा का लोगो बोलेरो की वेजिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और टेल गेट की राइट साइड वेरिएंट की वेजिंग यानी N10 की वेजिंग आपको प्रोवाइड किया गया है और बॉडी कलर रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ दोनों रिफ्लेक्टर्स दिया गया है और यहाँ पे फुट स्टेप दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। दोस्तों जितनी बोल्ड और एग्रेसिव ये फ्रंट प्रोफाइल से दिखने में है वैसे ही ये रियर प्रोफाइल से है, आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। रियर प्रोफाइल में प्रोवाइड किया गया है फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एंटीना और शार्क फिन एंटीना यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प डीफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पे LED टेल लैम्प यूनिट देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टेल गेट के लेफ्ट साइड फोर्ड का लोगो एकोस्पोर्ट की बैजिंग और टेल गेट माउंटेड रियर स्पेयर व्हील, जी हाँ दोस्तों। और इसके साथ ही आपको राइट साइड से भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइटेनियम S यानी वेरिएंट की वेजिंग। ब्लैक कलर के रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स नंबर प्लेट के ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक इसका रियर प्रोफाइल। बोलेरो नियो के इंटीरियर की तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग दिया गया है, ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को। और यहाँ पे बीज कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, ग्रैब हैंडल में आपको दिया गया है सिल्वर फिनिश और पावर विंडो के कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल में देखने को मिलेगा जो कि विंडो पे आपको नहीं दिया गया है। नीचे 1 liter का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक अपोस्टी ड्यूल टोन में दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। और चेकआउट कीजिएगा इसका डैशबोर्ड लेआउट ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीज फिनिश में दिया गया है। बोलेरो नियो में महिंद्रा थार से रिजेंबल करता हुआ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसके राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में MID दिया गया है जिसमें ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वहीं इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है 3-spoke टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील जो कि कुछ इस तरह टिल्ट होता है और इसमें सिल्वर फिनिश दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, बीच में महिंद्रा का लोगो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट कुछ इस तरह का मिलता है और यहाँ पे स्टोरेजेस दिए गए हैं 3 cup holder और क्रोम फिनिश में आपको प्रोवाइड किया गया है हैंड ब्रेक,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लैक फिनिश में पावर विंडो के कंट्रोल सेंटर कंसोल में दिया गया है, जो कि मुझे काफी ऑड लगा दोस्तों, क्योंकि हमें आदत है दोस्तों डोर पे पावर विंडो के कंट्रोल्स। और इसके अलावा इसके सेंटर कंसोल में आपको मिलते हैं 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, और चारों ओर आपको पियानो ब्लैक फिनिशर दिया गया है। थोड़ी सी स्टोरेजेस जस्ट उसके आगे आपको दिया गया है, 12V का चार्जर, USB पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट। और इसमें आपको मिलते हैं मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, इसके टॉप इन वेरियंट में भी आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पे पियानो ब्लैक सराउंड में 7-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और इसमें हॉरिजॉन्टल AC वेंट सिल्वर इंसर्ट्स में दिया गया है। ब्लैक एंड बीज कलर के यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट, काफी हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो चेकआउट कीजिएगा, जस्ट सफिशियंट जगह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कूल्ड ग्लोव बॉक्स का आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है हैलोजन बल्ब के साथ। IRBM प्रोवाइड किया गया है, डे नाइट IRBM। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को और बात करते हैं इसके रियर डोर में मिलने वाले फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट डोर की तरह ही बीज कलर्ड ऑप्शन दिया गया है और पावर विंडो के कंट्रोल यहां पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि फ्रंट में आपको सेंटर कंसोल में प्रोवाइड किया गया है। यहां पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स ग्रैब हैंडल पे और पावर विंडो के कंट्रोल। नीचे आपको दिया गया है 1 liter का बोटल होल्डर, स्पीकर, और इसके इंटीरियर में काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको प्रोवाइड किया गया है। और सेंटर में दिया गया है आर्मरेस्ट, जिसमें आपको कोई भी कप होल्डर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं, बीच वाले पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल नहीं किया गया है। और यहाँ पे लेग रूम हेडरूम की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको लेग रूम में मिलने वाली है। और इसके साथ ही हेडरूम की बात करें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा। ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट, जो कि TUV 300 से रिजेंबल करता हुआ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, चेकआउट कीजिएगा। चारों ओर प्रोवाइड किया गया है ग्रैब हैंडल ड्राइवर सीट को छोड़ के, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, कुछ इस तरह आप ओपन होता है, लेफ्ट टू राइट लार्ज बूट गेट। और यहाँ पे आपको बीज और ब्लैक इंसर्ट्स में डोर लॉक दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बीज कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। और इसके रियर सीट में 2 jump seat मिलते हैं, जैसे कि ये 7-seater कॉम्पैक्ट SUV है। और इसका लिप काफ़ी डेप्थ है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जगह दिया गया है। इस तरह का जंप सीट आपको प्रोवाइड किया गया है और इसमें 5 feet तक के लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और 384 liter का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे फुट स्टेप भी दिया गया है, जो कि कन्वीनियंट फीचर्स में से एक है, आपको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट के इंटीरियर की। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूंगा इसका डैशबोर्ड लेआउट और फ्रंट डोर। और इसके फ्रंट डोर पे ग्रैब हैंडल पे आपको ऑरेंज इंसर्ट्स, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ट्विटर और स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है, 1 liter का बोटल होल्डर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और डैशबोर्ड लेआउट लेफ्ट साइड से एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। ऑरेंज इंसर्ट आपको डैशबोर्ड पे भी और सेंटर कंसोल में भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए आप राइट साइड से चेकआउट कर लेते हैं और इसमें आपको मिलता है सेंट्रल लॉकिंग। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर, यहां पे ऑरेंज इंसर्ट, पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल और यहाँ पे लॉक अनलॉक। और इसके साथ ही यहाँ पे लेदर टच दिया गया है ग्रैब हैंडल पे, नीचे 1 liter का बोटल होल्डर, स्पीकर, फ्रंट डोर पे 2 Twitter और 2 speaker आपको दिया गया है, यानी कि आपको टोटल 4 speaker एंड 2 Twitter आपको मिलते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट में। एक बार क्लोज लुक दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रंट डोर में फीचर्स। और इसके अलावा इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैनुअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड किया गया है। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, लेफ्ट साइड से काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट।
और इसके साथ ही लेदर कम फैब्रिक अपोस्ट्री ऑरेंज इंसर्ट्स में दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, और इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जो कि बलेरो नियो में आपको नहीं मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल में आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी कंफर्टेबल आर्म रेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, जस्ट इसके नीचे आपको दिया गया है स्टोरेजेस, और जस्ट उसके आगे आपको टू कप होल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, और सेंटर कंसोल में दिया गया है आपको ऑरेंज इंसर्ट, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, पियानो ब्लैक फिनिश में, जस्ट उसके आगे आपको 12-volt का चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ हॉरिजॉन्टल एसी वेंट, और इसके सेंटर कंसोल में बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में 8-inch का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, AUX एंड USB को सपोर्ट करता है, और जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी खासी है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। जस्ट उसके नीचे आपको मीडिया के कंट्रोल दिया गया है, और इसके 8-inch के फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे आप देख पा रहे हो स्टीयरिंग व्हील ठीक लेफ्ट साइड आपको दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का आपको दिया गया है। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में MID दिया गया है, और यहाँ पे फ्यूल गेज आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का। और स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 3-spoke टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, बीच में फोर्ड का लोगो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकलिटी की, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट साइड यहाँ पे ग्लोव बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशेंट जगह आपको देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेजेस देखने को मिलेगा। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जस्ट उसके एडजस्टेंट आपको सनग्लास होल्डर, कैबिन लाइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ का कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि प्रीमियम फीचर्स में से एक है, डे नाइट IRBM आपको प्रोवाइड किया गया है, और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर, और फ्रंट डोर की तरह ही इसमें आपको दिया गया है ऑरेंज इंसर्ट्स, ग्रैब हैंडल पे पावर विंडो के कंट्रोल, लेदर इंसर्ट, और नीचे 1 liter का बोर्ड होल्डर, स्पीकर, और रियर डोर पे आपको कोई भी ट्विटर प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की, तो यहाँ पे आपको सनरूफ चेकआउट कर लीजिएगा, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, और सेंटर में दिया गया है आर्मरेस्ट विद 2 cup होल्डर। जी हाँ दोस्तों, चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके रियर कैबिन कम्फर्ट की और लेग रूम और हेड रूम की। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, काफी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट फोर्ड EcoSport का। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट नहीं दिया गया है, और यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक सनरूफ कुछ इस तरह का, चेकआउट कर लीजिएगा, और इसमें 6 airbag आपको प्रोवाइड किया गया है फोर्ड EcoSport के टॉप एंड वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट में आपको ड्यूल एयरबैग मिलता है। लेग रूम की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल लेग रूम, और हेड रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी आपको हेड रूम प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, और इसका जो बूट गेट है वो राइट टू लेफ्ट खुलता है, जबकि बोलेरो नियो का लेफ्ट टू राइट खुलता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा। और इसका बूट स्पेस चेकआउट कर लीजिएगा, 352 liter का बूट स्पेस फोर्ड EcoSport में प्रोवाइड किया गया है, और इनर साइड बूट गेट के हम्प दिया गया है, और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। इसका रियर सीट 60-40 स्प्लिट हो जाते हैं, और इंक्रीज कर सकते हैं इसके बूट स्पेस को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आइडिया ले लीजिएगा एक बार। और राइट साइड बूट लैंप दिया गया है, एक बार आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे टूल किट प्रोवाइड किया गया है, टायर पंक्चर किट भी आपको प्रोवाइड किया गया है।
है इंजन की, तो सबसे पहले बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो नियो में। महिंद्रा बोलेरो नियो में आपको मिलते हैं BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 3 सिलेंडर एम हॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 100 BHP पावर 3750 RPM पे एंड 260 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पे। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और कंपनी क्लेम करती है इसमें 17.29 KMPL की माइलेज। चलिए अब बात करते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट में। फोर्ड एकोस्पोर्ट में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 120 BHP की पावर एंड 149 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल वेरिएंट में 15.9 KMPL की माइलेज। वहीं सेकेंड इंजन ऑप्शन आपको मिलता है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन 99 BHP की पावर एंड 215 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं ट्रांसमिशन भी आपको इसमें भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और डीजल वेरिएंट में कंपनी क्लेम करती है 21.7 KMPL की माइलेज। बोलेरो नियो के डीजल इंजन के कंपैरेटिवली फोर्ड एकोस्पोर्ट के डीजल इंजन कम टॉर्की है, लेकिन फोर्ड एकोस्पोर्ट में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और जिसका पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स बोलेरो नियो में। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, ISOP चाइल्ड सीट, एंकरेज डे नाइट IRBM, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए बात करते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट में सेफ्टी फीचर्स की। तो आपको इसमें मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, ISOPIC चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, सेफ क्लच स्टार्ट, क्रैश अनलॉकिंग सिस्टम, डोर अनलॉक विद लाइट फ्लैशिंग, अप्रोच लाइट्स एंड होम सेफ हेडलैम्प्स, एमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, फोर्ड माइकी, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन बोलेरो नियो वर्सेस फोर्ड एकोस्पोर्ट। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉकराउंड्स कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।